हेलो, वेलकम बैक टू प्रीतीज कुक हाउस। आज मैं बनाने जा रही हूँ ओरियो चॉकलेट ट्रफल्स। ओरियो चॉकलेट ट्रफल्स बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक पैकेट ओरियो बिस्किट लूँगी, डार्क चॉकलेट कंपाउंड का पैकेट लूँगी और 1/4 कप मिल्क, कुछ पीसेस बादाम के और वेफर स्टिक का पैकेट लिया है। वेफर स्टिक जो मैंने ली है वो केवल डेकोरेशन के लिए मैंने ली है। सबसे पहले हम इन बिस्किट्स को मिक्सी जार में निकालेंगे और छोटे छोटे पीसेस करेंगे और इसका फाइन पाउडर बना लेंगे। ये देखिए, मैंने मिक्सी जार में डाल के इसका फाइन पाउडर बना लिया है। अब इस फाइन पाउडर को मैं बाउल में अलग कर लूँगी। सारा पाउडर जो है मैं इसको बाउल में निकाल के डाल दूँगी। ये देखिए, सारा पाउडर मैंने बाउल में डाल दिया है और जो मैंने 1/4 कप मिल्क लिया था, अब उस मिल्क को लूँगी और इस मिल्क को मैं धीरे धीरे ऐड करूँगी। मिल्क को एक साथ नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा करके मैं इसको मिक्सर में मिक्स करूँगी। ये देखिए, मैंने मिक्स किया है अच्छे से। मिक्स करना बिल्कुल प्लेन बन जाएगा और इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट पर रखना है। देखिए, 5 मिनट के बाद रेस्ट होने के बाद इस तरह से दिखेगा। और अब मैं इसमें बादाम लूँगी। बादाम को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया और इस मिक्सचर में मैं इसको मिक्स करूँगी। ये देखिए, बादाम को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद मैं अब इस मिक्सचर से छोटी छोटी बॉल्स बनाऊँगी। बॉल्स बनाने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है और ये जो ट्रफल्स हैं ये बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए, मैंने छोटी छोटी बॉल्स इससे बना रही हूँ। इस मिक्सचर की सारी बॉल्स बना लेंगे। ये देखिए, सारी बॉल्स बन गई। अब मैं चॉकलेट को मेल्ट करूँगी। चॉकलेट मेल्ट करने के लिए मैंने गैस पर एक भगोना रखा, गैस ऑन की है। अब इस भगोने में मैं पानी डालूँगी। ये देखिए, पानी डालने के बाद जब पानी हल्का सा बॉयल हो जाएगा तो मैं इसके ऊपर एक भगोना रखूँगी और छोटा भगोना इस तरह से लेना है कि वो अंदर नीचे न चला जाए, ऊपर से ही कवर रहे। इस तरह से चॉकलेट को डायरेक्ट कभी भी गैस पे मेल्ट नहीं करते हैं, हमेशा इसी तरह से मेल्ट करते हैं। अगर आपके पास ओवन है तो आप लोग चॉकलेट को ओवन में मेल्ट कर सकते हैं। मेरे पास ओवन नहीं है तो मैंने इस भगोने में ही मेल्ट किया है। ये देखिए, गर्म हो गया। मैं चॉकलेट को इस पे डालूंगी और चॉकलेट के 6 पीसेस ही लिए हैं मैंने। आप अगर ज़्यादा लेना चाहो तो ज़्यादा भी ले सकते हो। देखिए, भी थोड़ी देर में ही मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। देखिए, मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। जब अच्छे से मेल्ट हो जाएगी तो हम इसको उतार लेंगे। देखिए, हमारी चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हम इसको गैस से उतार लेंगे और जो हमने बॉल्स बनाई थी उसको हम इस चॉकलेट से कवर करेंगे। ये देखिए, मैंने बॉल्स को इन चॉकलेट में डाल रही हूँ। इस तरह से मैं इसको कवर करते हुए बॉल्स को रखती जाऊँगी। ये देखिए, ऐसे सारी बॉल्स में मैंने चॉकलेट लगा ली। और ये मेरे पास सिल्वर बॉल्स थी डेकोरेट करने के लिए, मैं इसको यूज़ करूँगी। आपके पास कुछ और भी हो तो आप इसको डेकोरेट करने के लिए कुछ और भी आप लगा सकते हो। मार्केट में बहुत सी चीज़ें अवेलेबल हैं डेकोरेशन के लिए, आप कुछ भी लगा सकते हो। बॉल्स लगाने के बाद मैं इन बॉल्स को फ्रिज में रख दूँगी जमने के लिए। 15 मिनट्स में ये बॉल्स जम जाएंगी। ये देखिए, 15 मिनट्स हो चुके हैं, मेरी बॉल्स अच्छे से जम चुकी है। अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। ये देखिए, वेफर स्टिक को मैंने डेकोरेट करने के लिए यूज़ किया है। देखिए, रेडी है हमारी।